सुप्रभात स्नेही स्वजन, कैसे हैं आप व परिवारजन। आशा है कि सभी स्वस्थ एवं रुचिपूर्ण कार्यों में व्यस्त होंगे। आज मैं आपका परिचय माँ प्रकृति की एक और अद्भुत अनुपम अति सुंदर कलर चेंज करने वाले हाइड्रेंजा फ्लावरिंग प्लांट से कराने जा रहा हूँ। इसे बिग लीफ हाइड्रेंजास, मोपहेड, फ्रेंच हाइड्रेंजा, लेस्केप हाइड्रेंजिया, पेनीमेक, हार्टेसिया आदि नामों से जाना जाता है। इसका वानस्पतिक नाम हाइड्रेंजिया मैक्रोफेला है, जो हाइड्रेंजियासी परिवार का एक सदस्य है, जो कि मूलतः जापान की एक पर्णपाती झाड़ीनुमा सजावटी फूलों की प्रजाति है, जो जमीन पर तो 2 मीटर से 2.5 मीटर तक ऊंची हो जाती है। यह ठंडे इलाके, ठंडे पहाड़ी इलाके का पौधा है, इसलिए इसके लिए 15 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान ही अनुकूल है, अर्थात अप्रैल से जून तक इसे शेड में ही रखें। यह एक सेमी सन लविंग प्लांट है, जिसे आप मीडियम सनलाइट में ही रखें, मगर 30 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा तापमान होने पर इसे सेमी शेड में शिफ्ट कर देवें, नहीं तो इसकी पत्तियां जलने लगती हैं एवं फूल मुरझाने लगते हैं। यह मीडियम ग्रोथ से बढ़ने वाला पौधा है, जिसमें आकर्षक बड़े बड़े गुच्छों में फूल आते हैं। गर्मियों में और ठंड में गुलाबी नीले रंग के फूल आते हैं। यह फूल मिट्टी की पीएच पर निर्भर करते हैं, अर्थात 7 से नीचे अम्लीय मिट्टी में नीले रंग के और पीएच 7 से ऊपर क्षारीय मिट्टी में अधिक गुलाबी रंग के फूल आते हैं। अतः हम मिट्टी का पीएच कम ज़्यादा करके इसके फूलों का रंग परिवर्तित कर सकते हैं, जो कि एल्युमिनियम आयनों की उपस्थिति के कारण ऐसा होता है, जो कि अति सिंचित पौधों में भी ऐसा किया जा सकता है। अर्थात हम अपनी इच्छा अनुसार फूलों का रंग परिवर्तित कर सकते हैं। इसके बड़े बड़े आकर्षक फूल प्रकृति प्रेमियों के साथ साथ तितलियों और मधुमक्खियों को भी अत्यधिक आकर्षित करते हैं। वह काफ़ी समय तक टिके रहते हैं। यह कम देखभाल में सदा हरा भरा रहने वाला लो मेंटेनेंस प्लांट है। इसे नमी युक्त वेल ड्रेन एसिडिक सॉइल पसंद है, जो इसकी प्रकृति के अनुकूल है। आइए अब हम इसे रिपोर्ट करते हैं। इसके लिए हमने 30% गार्डन सॉइल, 20% रिवर सैंड, 20% कोकोपीट, 10% काउडंग, 10% व्हीट हस्क और 10% हमने ईंट के टुकड़े लिए हुए हैं। इसमें हम एक मुट्ठी नीम खली भी मिलाएंगे, जो इसकी फंगस एवं चींटियों से सुरक्षा करेगा। यह ठंडे पहाड़ी क्षेत्र का पौधा है, जहाँ की सॉइल हार्ड, मॉइस्ट और वेल ड्रेन होती है। अतः हमने जो सॉइल मीडिया लिया है, वह बिल्कुल इसके अनुरूप है, जो इसकी संपूर्ण ग्रोथ के लिए एक महत्वपूर्ण सॉइल मीडिया है। इसके लिए हम करीब 12 इंच का पॉट लेंगे। अभी हम इसे प्लास्टिक के गमले में लगाएंगे, फिर इसकी अच्छी ग्रोथ होने के बाद हम इसे दूसरे पॉट में शिफ्ट करेंगे एवं मैं इसकी आपको कटिंग से यह आसानी से ग्रो हो जाता है, जिसका वीडियो मैं आगामी समय में डालूँगा। चलिए अब हम इस मिट्टी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं एवं इस पौधे को लगाते हैं। टूटे हुए गमलों के टुकड़ों से हमने हमारे पॉट के ड्रेनेज होल को कवर किया है। इस पर हम एक लेयर नारियल की जटाओं की बिछाएंगे, फिर कुछ ईंट के टुकड़ों को रखेंगे और एक लेयर हम इस पर रिवर सैंड की बिछा देंगे एवं इसे थोड़ा सा दबा देंगे। अब हमने जो सॉइल मिक्स मीडिया लिया है, उसे हम इसमें फिलअप करेंगे और हमारे पौधे को हम रख कर देखेंगे। यह अब सही हाइट पर आ गया है। कैंची की सहायता से इसकी पॉलीबैग को हम हटाएंगे
धीरे से आहिस्ता से दो उंगलियों की सहायता से अब हम इसे बीचों बीच रख देंगे। यह अब सही स्थिति में आ गया है। अब चारों तरफ से हम एक जैसी सॉइल मीडिया फिलअप करेंगे। सभी तरफ से एक जैसी हमें सॉइल मीडिया इस पर फिलअप करना है और इसे अच्छी तरह से दबाना है ताकि कोई भी एयर पॉकेट इसमें ना रह जावे। अब हम इसमें वाटरिंग कर देते हैं। अब हमारा पौधा पूरी तरह लगकर रेडी हो गया है। देखिए हमने जो इसमें वाटरिंग करी थी वह पानी हमारा पूरा प्लेट में ड्रेन हो गया है। हमारी सॉइल बेहतरीन वेल ड्रेन वेल मॉइस्ट वेल एरेशन युक्त है। इसमें किसी भी तरह का केमिकल फर्टिलाइजर नहीं देना चाहिए। इसे कम ही फर्टिलाइजर की आवश्यकता होती है। गुड़ाई करके संतुलित ऑर्गेनिक खाद 100 ग्राम 14 इंच के गमले में गोबर खाद वर्मी कंपोस्ट किचन वेस्ट कोई भी एक दे सकते हैं और फिर इस कंपोस्ट देने के बाद हमें इस पर वाटरिंग कर देना चाहिए। अप्रैल से जून तक रोज़ सुबह सुबह हमें इसे पानी देना चाहिए। इसकी मिट्टी बिल्कुल भी नहीं सूखना चाहिए, नहीं तो इसके फ्लावर बंच लटक जाते हैं। बाकी कम तापमान वाले मौसम में टॉप सॉइल जब सूख जाए तभी हमें इसमें पानी देना चाहिए। जुलाई से फरवरी तक यह धीरे धीरे सभी पत्तियां गिरा देता है, जो कि चिंता का विषय नहीं है क्योंकि यह अगले सीजन की फ्लावरिंग के लिए तैयारी में पूरी ऊर्जा लगा देता है और फ्लावरिंग सीजन में पूरी ऊर्जा के साथ हैवी फ्लावरिंग करता है। अतः फरवरी की शुरुआत में ही इसकी प्रूनिंग कर देवे और फर्टिलाइजर देवे तभी यह फरवरी एंड तक हैवी फ्लावरिंग के लिए रेडी हो जाएगा और नई नई शूट्स बनाएगा जिसमें बर्ड्स भी आ जाएगी। तब हमें इसे सेमी सेड एरिया में शिफ्ट कर देना चाहिए और पूरे फ्लावरिंग सीजन में सेमी सेड एरिया में ही रखना चाहिए जहां सूर्य की डायरेक्ट सनलाइट तो ना आवे मगर प्रकाश भरपूर रहे। इसकी पत्तियों के क्रिस्टल से जापान में पारंपरिक रूप से चाय बनाई जाती है जिसे अमाचा कहते हैं। वह इसके सूखे पत्तों से एंटी बैक्टीरियल एंटी एलर्जिक दवाओं का निर्माण पारंपरिक तौर पर जापान में किया जाता है। इसमें हेपेटो प्रोटेक्टिव गुण भी पाए जाते हैं जो कि जिगर की चोट के उपचार हेतु उपयोगी हैं। आशा है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको उचित एवं ज्ञानवर्धक लगी होगी। आप भी इस बेहतरीन खूबसूरत रंग चेंज करने वाले हाइड्रेंजा प्लांट को अपनी वाटिका की शान बनाएंगे। अपने स्नेही स्वजनों को अधिक से अधिक वृक्षारोपण करने हेतु प्रेरित करेंगे। अपना बहुमूल्य समय देने हेतु आपका आत्मीय आभार।